हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, मैं लेके आई हूँ आपके लिए बेस्ट क्वेश्चनों का सीरीज। ये सेट सी का अभ्यास 2 है दोस्तों। इसी तरह के 15 से 16 17 सेट हैं। सभी सेटों में 10 से 12 अभ्यास हैं। कुल मिलाकर के 6 से 7 हज़ार क्वेश्चन हैं दोस्तों। डेली बेसिस पे आप प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ। थ्योरी सेशन भी देखना है तो भी देखिए। टॉपिक वाइज पूरी थ्योरी दिया गया है एंड चैप्टर वाइज MCQs भी दिया गया है एंड 12 क्वेश्चन भी है। प्रीवियस ईयर MCQs का सारा सेट दिया गया है। तो चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइए और सभी चीज़ें देखिए। यदि किसी भी कंपटीशन एग्जाम फिजिकल एजुकेशन का आप प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे UPTGT PGT हो, चाहे UPLT ग्रेड हो, चाहे MPTET हो, चाहे किसी भी स्टेट का TGT PGT हो, सभी के लिए मेरे चैनल पे सभी प्रकार के वीडियोज हैं। तो देर न करते हुए चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। वीडियो को पूरा देखिएगा और अपना स्कोर चेक कीजिएगा। इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने के मिलेंगे। जितने ही मैं आपको प्रैक्टिस सेट रिवीजन क्लासेस लगवा रही हूँ, उससे बाहर कोई भी क्वेश्चंस नहीं रहेगा। बस डेली बेसिस पे आप मेरे साथ बने रहिए और अपना सेल्फ स्टडी भी करते रहिए। तो क्वेश्चन है दोस्तों कि प्राचीन काल में तक्षशिला किसके लिए प्रसिद्ध था। तो प्राचीन काल में तक्षशिला जो है किसके लिए प्रसिद्ध था, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। धनुर विद्या के लिए प्रसिद्ध था। किस मुस्लिम शासक को पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने से मृत्यु होगी हुई थी, तो वो था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट है यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन यानी YMCA शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1920 में चेन्नई के मद्रास में SC बक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय के प्रथम प्रधानाध्यापक कौन थे, ते थे SC बक यानी हेनरी क्रोबक, जिन्हें भारत में शारीरिक शिक्षा का पितामह भी कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, ओलंपिक छल्ले क्या संकेत देते हैं, तो 5 ओलंपिक छल्ले होते हैं जो 5 महाद्वीप के संकेत देते हैं। ये 5 नीला पीला काला हरा लाल 5 कलर के होते हैं। इसमें से नीला जो है वो यूरोप का प्रतीक है, पीला एशिया का प्रतीक है, काला अफ्रीका महाद्वीप का प्रतीक है, हरा ऑस्ट्रेलिया का प्रतीक है और लाल अमेरिका महाद्वीप का प्रतीक है। नेक्स्ट दोस्तों, फिलिपिनीस नामक संदेशवाहक कहाँ का निवासी था। दोस्तों, इसी के नाम पर मैराथन दौड़ आपका आयोजित किया जाता है, तो यह एथेंस का था। कहाँ का था, एथेंस का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा मुगल बादशाह पोलो खेल से जुड़ा था, तो दोस्तों वह कौन सा मुगल बादशाह था जो पोलो खेल से जुड़ा था, तो वह था अकबर। कौन था, अकबर। नेक्स्ट है दोस्तों, एगोग का संबंध कहां से है था, तो एगोग का संबंध ग्रीस में था और ग्रीस के स्पार्टा काल में था। स्पार्टा काल में क्रमबद्ध शिक्षा प्रणाली को एगोग कहा जाता था। नेक्स्ट है जेवलिन थ्रो कौन सा रास्ता का पालन करता है, तो दोस्तों जेवलिन थ्रो जो है वह ट्रेजेटरी पथ का पालन करता है। ट्रेजेटरी होता क्या है दोस्तों, किस गोला फेंक, शॉट पुट यानी कि जेवलिन थ्रो एंड आपका डिस्कस थ्रो, इन सबको किस कोण पर फेंका जाए तो वह अधिकतम दूरी तय करे, उसी को हम कहते हैं ट्रेजेटरी पथ। तो होता क्या है कि फेंकी गई वस्तु के उड्डयन पथ को ट्रेजेक्टरी कहा जाता है। फेंकी गई वस्तु के उड्डयन पथ जो होता है उसको हम कहते हैं ट्रेजेक्टरी पथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से भारतीय पारंपरिक खेल नहीं है, तो कौन इसमें से भारतीय पारंपरिक खेल नहीं है। दोस्तों यहाँ पे गिल्ली डंडा पारंपरिक है, पोसम्मा है, पच्चीसी है, ये सब पारंपरिक है, चिड़िया बल्ला आपका नहीं है। नेक्स्ट है औषधि यानी कि दुग्ध जो पेशी की मात्रा और पेशी आकुंचन के लिए अतिरिक्त शक्ति बढ़ाती है वे क्या है, दोस्तों इसमें से ये है आपका एंड्रोजेनिक स्टेरॉयड्स। एंड्रोजेनिक स्टेरॉयड्स जो है वह पेशी शक्ति को असीम ताकत बढ़ा देता है।
एंड्रोजेनिक स्टेरॉयड को हम शॉर्ट में AAS भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? AAS भी बोलते हैं। AAS मतलब होता है एंड्रोजेनिक एनाबोलिक स्टेरॉयड। तो एंड्रोजेनिक से तात्पर्य होता है पौरुष तत्व यानी मस्क्यूलिनिंग। एनाबोलिक स्टेरॉयड से तात्पर्य होता है टिश्यू बिल्डिंग यानी उत्तकों का निर्माण। एनाबोलिक स्टेरॉयड जो होता है खेल की दुनिया में सबसे अधिक डोपिंग के रूप में प्रयोग होता है। यह पुरुष के हार्मोन टेस्टोस्टेरोन जैसा समझा जाता है। और ये क्या करता है? ये हमारे शरीर में पेशियों की ताकत व सहनशीलता में असीम वृद्धि कर देता है और मानसिक रूप से अपने को मजबूत समझने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अस्थियों की मृदुलता यानी सॉफ्टनेस को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं ऑस्टियोमलेशिया। यह विटामिन डी की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि क्रायोथेरेपी किसका प्राथमिक उपचार है? तो क्रायोथेरेपी एक बर्फ चिकित्सा है जो चोट लगने के बाद तुरंत सबसे पहले उपचार किया जाता है बर्फ चिकित्सा से। तो यह रक्त स्त्राव मोच संधि च्युति सभी में आपका प्राथमिक उपचार के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है खेल कूद की चोटों को किसके द्वारा न्यूनतम किया जा सकता है? तो दोस्तों जो खेल कूद की चोट है उसको किसके द्वारा न्यूनतम किया जा सकता है? इसको हिंदी में दिया है तो उतना समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे आपका अंग दर्शन हो जाएगा यानी कि इसका मतलब होगा करेक्टिव एक्सरसाइज यानी कि हम वार्म अप करके अपने शरीर में लचीलापन करके ही हम अपने चोटों को न्यूनतम कर सकते हैं। नेक्स्ट है घुटने की उपास्थि में हुई क्षति सामान्यतः किससे जोड़ी जाती है? तो दोस्तों घुटने में जो भी चोट लगती है उसके उपास्थि में चोट लगती है उसको अक्सर हम फुटबॉल खेल में ज्यादा लगती है। नेक्स्ट है खेल कूद में हुई क्षतियों से स्वास्थ्य लाभ के लिए क्या उपयोगी होता है? तो दोस्तों इसमें हम पुनः उस स्थिति में आने के लिए करेक्टिव एक्सरसाइज का प्रयोग करते हैं, सुधारात्मक व्यायाम। नेक्स्ट है दोस्तों विश्व स्वास्थ्य की स्वास्थ्य संबंधी अवधारणा किससे संबंधित है? तो दोस्तों WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अवधारणा में संपूर्ण तंदुरुस्ती, स्वास्थ्य की अवधारणा किससे संबंधित है? संपूर्ण तंदुरुस्ती। WHO का कहना है कि केवल बीमारियों से मुक्त होना ही स्वास्थ्य नहीं है बल्कि शारीरिक मानसिक सामाजिक संपूर्ण रूप से वो स्वस्थ रहे उसी को हम कहेंगे स्वास्थ्य। नेक्स्ट है मेरुदंड यानी स्पाइनल कार्ड का तिरछी वक्रता ऑब्लिक्यू कर्वेचर को हम क्या कहेंगे? तो दोस्तों हमारा कंधा एक तरफ हिप एक तरफ मुड़ जाता है इसको हम कहते हैं स्कोलियोसिस। क्या बोलते हैं? स्कोलियोसिस। नेक्स्ट है मुक्त वायु अंतरिक्ष में प्रक्षेपित पदार्थ के मार्ग को कहते हैं तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं परवलय। उसको क्या कहते हैं? परवलय। मुक्त वायु जैसे कि आप कुछ सामान फेंक रहे हैं ठीक है, मान लिया आप भलाई फेंक रहे हैं यहां से आपने फेंका ये ऐसे पथ द्वारा यहां पे गया तो इसी जो पथ है इसको हम कहेंगे परवलय। क्या कहेंगे? परवलय। नेक्स्ट अवधि यानी पीरियड जो होता है वो किसकी माप है? तो यह माप है आपका समय का। किसकी माप है? समय का। नेक्स्ट दोस्तों चाल यानी स्पीड किसके माध्यम से सूचित होता है? तो यहां भी आपको ध्यान रखना है चाल जो होता है इसके दो माध्यम से सूचित होता है। एक आपका होता है सेंटीमीटर प्रति सेकेंड और एक होता है किलोमीटर पर आवर। तो यहां पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गति के प्रथम नियम को यह भी कहा जाता है। तो गति के तीन नियम न्यूटन ने दिया है, प्रथम नियम जड़त्व का नियम, दूसरा नियम त्वरण का नियम यानी संवेग का नियम, तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो गति के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? जड़त्व का नियम यानी इनर्सिया, लॉ ऑफ इनर्सिया भी बोला जाता है।
नेक्स्ट है यांत्रिकी यानी कि मैकेनिक्स जो है वो भौतिकी यानी फिजिक्स की वह शाखा है जो विश्लेषण यानी एनालिसिस करती है उन पिंडों का जो क्या है जो विरामावस्था में है और जो गति अवस्था में है, इन दोनों का आपका विश्लेषण करती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे इसका आंसर आपका दिया हुआ है जो गति में है, लेकिन मेरे हिसाब से जो विरामावस्था में है जो गति अवस्था में है उन दोनों का आपका अध्ययन करती है यांत्रिकी विज्ञान। ठीक है, उन दोनों का अध्ययन करती है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आप इसको देख लीजिएगा, इसमें कमेंट मत कीजिएगा कि आपने ऐसा आंसर बताया, क्योंकि इसमें मैं सी को करेक्ट मान रही हूँ। क्योंकि भौतिकी में आप विरामावस्था कोई वस्तु है जब तक बाह्य बल नहीं लगाएंगे तो वो विरामावस्था से गति अवस्था में नहीं जाएगा, यानी कि हम विरामावस्था गति अवस्था दोनों को हम उसमें अध्ययन कर रहे हैं। नेक्स्ट है कि बल के कारण का वर्णन करने वाली यांत्रिकी की शाखा को हम क्या कहते हैं, तो उसको हम बोलेंगे बल गति विज्ञान यानी काइनेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है यांत्रिकी की वह शाखा जो उस बल की विवेचना करती है जो गति की स्थिति को पैदा करता है या बदलता है क्या कहलाती है, तो वह होता है आपका बल गति विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर अस्थि पंजर यानी इंटर स्केलेटल सिस्टम में होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों, अस्थियां और उपास्थियां दो होती है, अस्थियां कठोर होती हैं, उपास्थियां उसके अपेक्षा कोमल होती हैं, लचक वाली होती हैं। नेक्स्ट दोस्तों प्रॉक्सिमो डिस्टल यानी समीपस्थ दूरस्थ वर्धन का क्या अर्थ है, दोस्तों विकास बहुआयामी होता है, एक होता है आपका सिफेलोकोडल, एक होता है प्रॉक्सिमो डिस्टल। सिफेलोकोडल जो होता है वो मस्तिष्क से ऊपर से नीचे होता है, मस्तिष्क से आरंभ होता है, नीचे की ओर विकास होता है बच्चे का। एक होता है प्रॉक्सिमो डिस्टल जो समीपस्थ दूरस्थ होता है वो उसका आपका केंद्र से बाहर की ओर होता है, केंद्र से बाहर की ओर। यहाँ पे प्रॉक्सिमो डिस्टल वर्धन में विकास में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुषुम्ना यानी स्पाइनल कॉर्ड से बाहर की ओर विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है शीर्ष पुच्छीय यानी सिफेलोकोडल वर्धन का क्या अर्थ है, तो दोस्तों इसमें आपका वर्धन मस्तिष्क से नीचे की ओर होता है। इन दोनों चीजों को याद में रखिएगा, आप सीडीपी में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट दोस्तों खेल का अतिरिक्त ऊर्जा सिद्धांत यानी सरप्लस एनर्जी थ्योरी किसने दिया है, तो हर्बर्ट स्पेंसर और सीलर ने दिया है, यहां ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों सीखने के नियम किसने प्रस्तुत किया, तो कार्ल थॉर्नडाइक ने सीखने के नियम, मुख्य नियम आपका तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, अप्रभाव का नियम इन्होंने दिया है, उसके अलावा गौर नियम दिए हैं। नेक्स्ट है सीखने का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, तो सीखने का सिद्धांत भी आपके थॉर्नडाइक जी ने प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट है उपलब्धि अभिप्रेरणा अचीवमेंट मोटिवेशन किस प्रकार का समानार्थक है, तो यह है आपका बायोफीडबैक सिद्धांत का, किस प्रकार का समानार्थक है बायोफीडबैक सिद्धांत का। नेक्स्ट है प्लाज्मा में फाइब्रोनोजिन अलग करने पर बचा भाग क्या कहलाता है, जैसे कि दोस्तों प्लाज्मा में बहुत सारे प्रोटीन पाए जाते हैं, पोथोम्बिन, फाइब्रोनोजन, एल्ब्यूनिन, ग्लोब्यूलिन, ये सभी पाए जाते हैं, लेकिन प्लाज्मा में से जब फाइब्रोनोजन हम अलग कर देते हैं, फाइब्रोनोजन क्या करता है रक्त का थक्का बनाने में हमारी मदद करता है, जो फाइब्रोनोजन प्रोथोम्बिन होता है दोनों का निर्माण होता है आपका यकृत यानी लीवर में, लेकिन पाया जाता है रक्त प्लाज्मा में, तो रक्त प्लाज्मा में से जब हम फाइब्रोनोजन को अलग कर देते हैं तो बचे हुए पदार्थ को हम कहते हैं सेरम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरंभ में संवर्धित निष्पादन यानी कि परफॉर्मेंस इज इम्प्रूवेड, यानी कि आरंभ में आपका परफॉर्मेंस जो है और सीखने की जो गति है वो तीव्र है, लेकिन बाद में क्रमिक डिस्क्लाइन हो रहा है, ह्रास होता हो रहा है, तो ऐसे संकेत मिल रहा है, तो इसको हम कौन सा कहेंगे, जैसे कि दोस्तों सीखने के वक्र के तीन प्रकार हैं,
नेगेटिव पॉजिटिव और कॉम्बिनेशन यानी ऋणात्मक धनात्मक और मिश्रित वक्र। तो ऋणात्मक वक्र को हम कहते हैं कॉनकेव यानी कि उन्तोदर ग्राफ भी कहते हैं, और धनात्मक को हम कॉनकेव यानी कि नतोदर ग्राफ कहते हैं। तो जिसमें आपका आरंभ में सीखने की गति तीव्र हो और बाद में मंद हो उसको कहेंगे ऋणात्मक प्रगति सूचक कर्व, यानी कि आपका यहाँ कन्वेक्स ग्राफ हो जाएगा। कन्वेक्स ग्राफ यानी कि उन्तोदर, ठीक है। कैसे होगा इसका ग्राफ कैसे बनेगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ख करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ग्राफ आपका बनेगा, ग्राफ इस तरीके से बनेगा। कैसे बनेगा ग्राफ, इस तरीके से बनेगा। ये क्या है आपका उत्तल रूप से बन रहा है, यानी कि ये कॉन्वेक्स उन्तोदर रूप से बन रहा है। वहीं पे जब धनात्मक रहेगा तो धनात्मक वाला ग्राफ आपका इस तरीके से बनेगा, धनात्मक वाला ग्राफ आपका इस तरीके से बनेगा। यानी कि धनात्मक में क्या होगा कि आरंभ में सीखने की गति मंद रहेगा और बाद में क्या है बढ़ेगा। ये आपका ऋणात्मक है, क्या है ये आपका ऋणात्मक है, क्या है ऋणात्मक है। ये आपका धनात्मक है, ठीक है धनात्मक है। तो आरंभ में अगर गति सीखने की तीव्र है और बाद में मंद हो रही है तो उसको हम ऋणात्मक प्रगति सूचक वक्र कहेंगे, यानी कि कॉन्वेक्स उन्तोदर। अगर आरंभ में गति मंद है बाद में तीव्र है तो उसको कहेंगे धनात्मक प्रगति सूचक कर्व, यानी कि कॉनकेव यानी कि अवतल नतोदर ग्राफ। एंड यदि जो सीखने की गति घट बढ़ रहा है, कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है, यानी कि सी या यस वक्र बन रहा है, जैसे कि आपका कॉम्बिनेशन में आपका इस प्रकार से बनेगा, ऐसे ऐसे बन जाएगा, कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है। तो इस प्रकार के तीन प्रकार के आपके कर्व होते हैं। और एक होता है प्लेटू, सीखने में पठार। यदि सीखने के वक्र में पठार उस अवधि में दोस्तों बनता है जिस अवधि में सीखने में कोई प्रगति नहीं होती है, यानी कि सीखना एकदम जीरो हो जाता है कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए जो सीखना होता है वो रुकी हुई दिखाई देती है। तो जब वक्र होता है रेखा नीचे या ऊपर नहीं जाती है, सीधे कैसे हो जाती है, सीधे आपकी सीधे सपाट हो जाती है। कैसे हो जाती है वक्र जो होती है इस तरह से न बन करके सीधे कैसी रहती है, इस तरह से न बन करके सीधे जो होती है आपका सपाट बनती है, ऐसे करके वक्र बनता है, उसको कहते हैं आपका सीखने में पठार। नेक्स्ट है शिक्षण ग्राफ में आरंभिक अत्यधिक वृद्धि किस प्रगति का संकेत और उसका तकनीकी नाम क्या है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि एक सीखने के वक्र के तीन प्रकार हमने बताया अभी जस्ट आपको, ऋणात्मक धनात्मक और मिश्रित वक्र। ऋणात्मक में होता है कि आरंभ में सीखने की जो गति होती है तीव्र होती है बाद में मंद हो जाती है, और धनात्मक में आरंभ में मंद होती है बाद में तीव्र हो जाती है, और कॉम्बिनेशन में जो मिश्रित वक्र होता है कभी घटती है कभी बढ़ती है, इस प्रकार होता है। और प्लेटू यानी पठार में क्या होता है कि सीखने कुछ समय के लिए जो हमारी सीखने की प्रगति होती है वो रुक जाती है और सीधा ऊपर नीचे न बन के करके वक्र जो है वो सीधा बनता है। लेकिन पठार क्यों बनता है, पठार आप थक गए, आप अभिप्रेरणा नहीं, अभिप्रेरणा की मोटिवेशन की कमी हो गया और इन सब कारणों से आपका वातावरण खराब हो गया, आपके अंदर थकान हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती है जिसके कारण आखिर में पठार उत्पन्न हो जाता है। अगर उसी चीज़ को आप चेंज कर देंगे, बच्चे को आप मोटिवेशन देंगे, उसको थकान को दूर करेंगे, शिक्षण की नई विधि प्रयोग करेंगे, अब व्यक्तियों की रुचि का ध्यान रखेंगे, जो बुरी आदतें हैं उनका निवारण कर देंगे, समय स्थान का परिवर्तन कर देंगे, जो रोग है उसका उपचार कर देंगे, क्या होता है तो इसमें आपका अचानक स्पर्ट सडन स्पर्ट हो जाता है। यानी किसी भी लर्निंग कर्व में प्लेटिव पठार के बाद अचानक तेजी से कर्व बढ़ता है, जिससे पता चलता है कि ज्ञान में वृद्धि हुई है, या नई प्रेरणा के कारण होता है। ऐसा इसलिए भी होता है दोस्तों क्योंकि रुकावटें जो होती हैं उसकी हटा दी जाती है, अब सीखने वाले का जो रुझान है पहले से अधिक स्पष्ट और अच्छा हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं, यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा इनिशियल स्पर्ट, आरंभिक झोंक, यानी सडन स्पर्ट, इसको अचानक स्पर्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। आप जैसे कि समझ गए होंगे। नेक्स्ट, संगठनकर्ता या जो पर्यवेक्षक होता है कि निम्न विशेषता होती है, तो उसके अंदर नेतृत्व का गुण भी होना चाहिए, व्यवसायिक योग्यता भी होना चाहिए, तकनीकी गुण भी होना चाहिए, उपरोक्त सभी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, शारीरिक शिक्षा की शिक्षण एवं प्रशिक्षण की विधियां निम्न में से हैं, तो दोस्तों यहाँ पे आपका लेक्चर मेथड भी करेक्ट हो जाएगा, अनुकरण यानी इमिटेशन मेथड भी सही हो जाएगा, एंड तकनीकी ज्ञान भी। तो ये सभी चीज़ें आपका सारी शिक्षा की प्रशिक्षण की विधियाँ हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा में पाठ योजना यानी लेसन प्लान कितने प्रकार की होती है? जैसा कि आप जानते हैं पाठ योजना सामान्य और विशिष्ट दो प्रकार की होती है, ठीक है। सामान्य पाठ योजना सामान्य चीजों पर आधारित होती है, विशिष्ट जो होता है खेल से रिलेटेड होता है, विशेष स्किल से रिलेटेड आपकी पाठ योजना तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न कमांड का एक प्रकार है, निम्न कमांड का एक प्रकार है तो यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रतिक्रियात्मक कमांड, लयात्मक कमांड, प्रदर्शन कमांड। यहां पे उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। प्रतिक्रियात्मक कमांड हम उसको बोलेंगे जैसे कि 100 मीटर स्टार्ट हो रहा है, स्प्रिंट दौड़ हो रहा है, हमने बंदूक की आवाज लगाई, आर्म एंड मास गो, सेट एंड गो। जो ही हमने बंदूक की आवाज लगाई, तुरंत जो आपका रनर है वो प्रतिक्रिया उसके अंदर हुआ, तुरंत वो दौड़ना स्टार्ट कर दिया, ये प्रतिक्रियात्मक कमांड हो गया। लयात्मक कमांड वो हो गया जैसे कि कोई ध्वनि आप चल रही है उसके अनुसार उस ध्वनि के लय के हिसाब से वो कर रहा है, जैसे रिदमिक व्यायाम हो गया। प्रदर्शन कमांड जैसे कि मैं प्रदर्शन कर रहा हूँ वो बच्चे देख रहे हैं उसके अनुसार, ये प्रदर्शन कमांड हो गया। तो ये सभी कमांड आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। एकल या युगल खेलों के टूर्नामेंट आयोजित कराने के लिए निम्न टूर्नामेंट का उपयुक्त रहता है? तो एकल युगल खेलों जैसे कि बैडमिंटन, टेनिस, टेबल टेनिस हो गया, तो इसमें आपका कौन सा करेक्ट होगा? यहाँ पे चैलेंज टूर्नामेंट या सीढ़ी नुमा टूर्नामेंट आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शारीरिक दक्षता अभियान की स्थापना निम्न वर्ष में की गई? तो कब की गई? 1960 में। राष्ट्रीय शारीरिक दक्षता अभियान यानी कि नेशनल फिजिकल फिटनेस। नेक्स्ट है, शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम आयोजन का सिद्धांत निम्न है? तो यहाँ पे लोकतांत्रिक विधि भी यानी कि डेमोक्रेटिक मेथड भी हो जाएगा, उद्देश्यों के अनुरूप भी होना चाहिए, बात सही है, विद्यार्थियों की रुचि के अनुरूप होना चाहिए, ठीक है, एकदम करेक्ट है, उपरोक्त सभी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, शारीरिक शिक्षा के लिए समय तालिका बनाते समय निम्न तत्वों को ध्यान में रखना चाहिए? तो दोस्तों प्राप्त उपकरण कैसा है, मौसम कैसा है, प्राप्त मैदान और स्टॉफ कैसा है, इन सभी को ध्यान में रखना चाहिए, उपरोक्त सभी यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है, शिक्षा प्रशासन का मुख्य उद्देश्य, शिक्षा प्रशासन का मुख्य उद्देश्य मानवीय संबंधों की स्थापना है ताकि विभिन्न प्रकार के मनुष्य आपस में मिलकर समुचित रूप से कार्य कर सके, यह कथन किसका है? तो यह कथन है डॉक्टर श्रीनाथ मुखर्जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो व्यक्ति किसी विकासशील कार्य में कला के द्वारा तथा खेलों के द्वारा हिस्सा पा लेता है तो उनके कार्यों को मनोरंजन के अंतर्गत सम्मिलित किया जा सकता है? निम्न कथन है? यह कथन है बाउचर का। किसका है? बाउचर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल बालकों के लिए निर्माण अथवा जीवन शक्ति की प्राप्ति है तथा प्रौढ़ों के लिए खेल एक मनोरंजन है, मनोरंजन जीवन शक्ति का पुनः नवीनीकरण है, यह किसका कथन है? तो यह कथन है जॉन एच एफ का। नेक्स्ट है, मनोरंजन अवकाश के समय की जाने वाली ऐसी मौलिक क्रिया है यानी कि रचनात्मक क्रिया है जो समाज द्वारा मान्य हो तथा जिसमें स्वेच्छा से भाग लेने वाले व्यक्ति को तत्काल आत्मिक संतुष्टि प्राप्त हो, निम्न विचार व्यक्त किया है? तो निम्न विचार को किसने व्यक्त किया है? जॉन एल एच ने व्यक्त किया है। नेक्स्ट है, मनोरंजन मन बहलाने का एक ऐसा अनुभव है जिसके द्वारा व्यक्ति को शांति और प्रसन्नता को प्राप्ति होती है। शिक्षा की तरह मनोरंजन भी एक मौलिक आवश्यकता है जो दैनिक जीवन का अंग है, उक्त विचार किसने व्यक्त किया है? उक्त विचार को व्यक्त किया है चार्ल्स बूचर ने। नेक्स्ट है, मनोरंजन की क्रिया कोई वस्तु नहीं है बल्कि उसका भावना से संबंध है, यह एक वैयक्तिक सहनशीलता है जो कि मनोरंजन वैज्ञानिक प्रकृति द्वारा प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है तथा जीवन जीने के लिए एक कला है, निम्न कथन किसका है? तो निम्न कथन है साल्सन का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दर्शन एक व्यवस्थित विचार द्वारा विश्व और मनुष्य भी प्रकृति के विषय से ज्ञान प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न है, निम्न कथन किसका है? तो निम्न कथन है सेलर्स का। किसका है? सेलर्स का। तो दोस्तों ये था आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 50 एमसीक्यूज, जो आपको समझ में आया होगा। जो भी डाउट होगा कमेंट में बताइए, जो भी कमी होगा उसको भी बताइए, मैं सभी डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगी। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय।